बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स वालेकुम आज का हमारा टॉपिक है इंक्रीमेंट ऑपरेटर इंक्रीमेंट ऑपरेटर को कैसे लिखते हैं डबल प्लस साइन से ये दोनों प्लस के साइन मिलकर एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर बनाते हैं ये करता क्या इंक्रीमेंट ऑपरेटर इट एड्स वन टू द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ये वेरिएबल की वैल्यू में एक जमा करता है अब हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर को किसके साथ लिखेंगे याद रखिएगा इंक्रीमेंट ऑपरेटर को जो हम लिखेंगे वो वेरिएबल के साथ लिखेंगे एक्स वेरिएबल है और प्लस प्लस जो है ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है तो ये क्या करेगा एक्स वेरिएबल की वैल्यू में एक जमा करेगा डेयर स्टूडेंट्स याद रखना आपने इसको कांस्टेंट के साथ आप नहीं लिख सकते यानी सेवन प्लस प्लस ऐसे ही ये रॉन्ग है सेवन प्लस प्लस लिखा ही नहीं जा सकता आप ये मत समझिएगा कि ये सेवन प्लस प्लस लिखने से ये एट होगा क्योंकि सेवन कांस्टेंट है और इंक्रीमेंट ऑपरेटर कांस्टेंट के साथ यूज़ नहीं होता इसी तरह इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो एक्सप्रेशन के साथ भी यूज़ नहीं होता ए प्लस बी क्या है ये एक एक्सप्रेशन है तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर याद रखना एक्सप्रेशन के साथ भी इस्तेमाल नहीं करते अब फर्ज़ कर लेते हैं एक्स की वैल्यू कितनी है टेन एक्स एक वेरिएबल है और इसकी वैल्यू टेन है एक्स प्लस प्लस लिखने से एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी इलेवन हो जाएगी अब इंक्रीमेंट ऑपरेटर की टाइप्स टाइप्स ऑफ इंक्रीमेंट ऑपरेटर दो तरह के इंक्रीमेंट uh, ऑपरेटर होते हैं प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर और पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है इट ऐड वन टू द वैल्यू ऑफ वेरिएबल वेरिएबल बिफोर इट इज यूज इन एक्सप्रेशन ये क्या करता है एक जमा करता है किस में वेरिएबल की वैल्यू में कब जमा करता है बिफोर याद रखिएगा बिफोर इट इज यूज इन एक्सप्रेशन इससे पहले कि वो वेरिएबल एक्सप्रेशन में यूज हो अब लिखते कैसे हैं प्लस प्लस एक्स यानी इस प्री का मतलब होता है प्री फिक्स का मतलब होता है पहले और पोस्ट का मतलब होता है बाद में प्री जो होता है पहले पहले से मुराद किया इंक्रीमेंट ऑपरेटर को आपने पहले लिखना है बाद में वेरिएबल का नाम लिखना है तो यहां पर देखें प्लस प्लस ए ए जो है ये वेरिएबल का नेम है और ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर को आपने पहले लिखना है वेरिएबल को बाद में तो प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर में क्या होता है वेर दो बातें याद रखनी है वेरिएबल की वैल्यू में ये एक जमा करता है किससे पहले वो वेरिएबल एक्सप्रेशन में यूज़ होने से पहले यानी एक जमा करता है या इंक्रीमेंट करता है और दूसरी बात याद रखनी है इसको वेरिएबल के नाम से पहले लिखते हैं इसी तरह पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या है पोस्ट फिक्स पोस्ट का मतलब होता है बाद में इट एड वन टू द वैल्यू ऑफ वेरिएबल आफ्टर इट इज़ यूज इन एक्सप्रेशन ये क्या करता है वेरिएबल की वैल्यू में एक जमा करता है कब आफ्टर यानी वो वेरिएबल जब एक्सप्रेशन में यूज हो चुका हो उसके बाद ये एक जमा करता है इसमें इसको लिखते कैसे हैं यानी वेरिएबल का नाम और ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर यानी इसमें वेरिएबल का नाम पहले आता है और इंक्रीमेंट ऑपरेटर बाद में आता है जैसे ये ए प्लस प्लस है वेरिएबल का नाम पहले आता है और इंक्रीमेंट ऑपरेटर बाद में आता है ये भी वेरिएबल चाहे प्रीफिक्स हो चाहे पोस्ट फिक्स हो करते ये वेरिएबल की वैल्यू में एक जमा है अब इनको हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं सपोज हमारे पास इंट एक्स एक वेरिएबल है एक्स की वैल्यू हम क्या कर लेते हैं टेन अब प्रीफिक्स यूज कर लेते हैं ये यह यहाँ पर अब क्या होगा ये एक्स एक वेरिएबल एक्स की वैल्यू टेन है ये एक लाइन जब पढ़ेगा जब कंप्यूटर तो क्या करेगा एक्स की वैल्यू में एक ऐड करेगा यानी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी इलेवन हो जाएगी इसी तरह यहाँ तो हमने प्रीफिक्स यूज़ किया है लेकिन अकेला यूज़ किया एक्सप्रेशन में यूज़ नहीं किया इंट एक्स एक्स इज इक्वल टू टेन अगर हम यहाँ पर एक्स प्लस प्लस कर दें यहाँ पर भी देखिए हमने ये पोस्ट फिक्स को इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज़ किया है अकेला एक्सप्रेशन में यूज़ नहीं किया ये भी क्या करेगा वेरिएबल की वैल्यू में एक ऐड करेगा यानी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर इलेवन हो जाएगी असल इनका डिफरेंस का पता चलता है जब आप इन्हें किसी एक्सप्रेशन में यूज करते हैं मिसाल के तौर पर इंट एक्स कॉमा वाई इंट एक्स कॉमा वाई एक्स और वाई क्या है वेरिएबल हैं। एक्स की वैल्यू फ्लट से कर लेते हैं टेन हम लिखते हैं यहां पर प्लस प्लस एक्स प्लस फाइव और यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स इज इक्वल टू टेन वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 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 फाइव अब गौर करें यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया है प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर को लेकिन किस में एक्सप्रेशन में यूज़ किया है लेकिन थोड़ी देर पहले यहाँ पर हमने यहाँ प्रीफिक्स यूज़ किया था एक्सप्रेशन में यूज़ नहीं किया था यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं एक्सप्रेशन में यूज़ कर रहे हैं यहां पर भी पोस्ट फिक्स को कोलहदा नहीं है ये पोस्ट फिक्स किसके साथ इस्तेमाल हो रहा है एक्सप्रेशन में तो इनका डिफरेंस भी तभी समझ आएगा कि जब ये एक्सप्रेशन में इस्तेमाल करेंगे तो प्री फिक्स क्या करता है वेरिएबल की वैल्यू में इंक्रीमेंट करेगा एक्सप्रेशन में इस्तेमाल होने से पहले और पोस्ट फिक्स क्या करेगा ये वेरिएबल की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट करेगा लेकिन एक्सप्रेशन में इस्तेमाल होने के बाद ये बाद में ऐड करेगा एक्स की वैल्यू में एक और ये एक एक्सप्रेशन में इस्तेमाल इस्तेमाल होने से पहले एक ऐड करेगा अब मिसाल के तौर पर क्या होगा इनकी वैल्यू आप अगर इनको आप समझना चाहते हैं तो वेरिएबल की वैल्यू को आप लिख कर आपने इसको ये हल करना है एक्स की वैल्यू जो है हमारे पास 10 है ये प्रीफिक्स है तो x की वैल्यू में पहले इंक्रीमेंट करेगा तो इलेवन हो जाएगी ये हमने लिख दिया है प्लस प्लस एक्स से एक्स की वैल्यू में एक ऐड करेगा तो ये इलेवन हो गया इलेवन प्लस फाइव क्या हो जाएगा सिक्सटीन सिक्सटीन किस को मिल जाएगा वाई को तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी सिक्सटीन हो जाएगी हमारे पास अब इसको हल कर लेते हैं हम यहाँ पर एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या यहाँ पर देखें टेन है हमने लिख ली टेन x प्लस प्लस से इंक्रीमेंट करना है लेकिन पहले नहीं करना ये पोस्ट फिक्स है बाद में करना है इसको हल करने के बाद में एक्सप्रेशन को हल करने के बाद में तो x की वैल्यू क्या है 10 है 10 प्लस फाइव फिफ्टीन फिफ्टीन किसी मिलेगा वाई को मिलेगा तो y की वैल्यू क्या हो गई 15 ये लिख लेते हैं जब ये सारा काम हो जाएगा एक्सप्रेशन सॉल्व हो जाएगा बाद में इंक्रीमेंट करना है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 11 हो जाएगी यहाँ पर x की वैल्यू 11 तो इन दोनों इसका अगर रिजल्ट्स को आप कंपेयर करें यहाँ पर भी एक्स की वैल्यू 11 है यहाँ पर भी एक्स की वैल्यू 11 है यानी इंक्रीमेंट दोनों ने किया यहाँ पर एक्सप्रेशन में हल होने से पहले इंक्रीमेंट हुआ इसलिए वाई की वैल्यू सिक्सटीन आई और यहाँ पर एक्सप्रेशन में हल होने के बाद में इंक्रीमेंट हुआ इसलिए वाई की वैल्यू यहाँ पर फिफ्टीन आई एक और एग्जाम्पल इसकी सॉल्व कर लेते हैं लेट्स आपके पास एक वेरिएबल हैं ए कॉमा बी ए की वैल्यू हमारे पास टेन है बी की वैल्यू हमारे पास ट्वेंटी है हम लिखते हैं ए इज़ इक्ल टू प्लस प्लस ए प्लस 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 बी और बी इज़ इक्ल टू ए प्लस प्लस और बी प्लस प्लस यानी यहाँ पर हम इंक्रीमेंट प्रीफिक्स इंक्रीमेंट यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पर हम पोस्ट फिक्स यूज़ कर रहे हैं तो डेयर स्टूडेंट्स का ट्रिक यही है आप वेरिएबल की वैल्यू को रफ अमल में लाजमी लिखा करें ताकि आपको समझ आ जाए कि आप इन वेरिएबल की वैल्यू में कितना चेंज आ रहा है ए की वैल्यू टेन है आप इसको रफ अमल में लिख लें एक रफली लिख लें बी की वैल्यू कितनी है ट्वेंटी है ये लिख लिया अब ये प्री फिक्स है प्री फिक्स में पहले इंक्रीमेंट होता है ए की वैल्यू क्या हो जाएगी इलेवन इसकी वजह से इसमें बी की वैल्यू क्या हो जाएगी ट्वेंटी वन अब ये इलेवन है और ये ट्वेंटी वन हो गया क्योंकि ये प्री है तो पहले इंक्रीमेंट कर दिया अब ये वाले एडिशन भी करनी है तो इलेवन प्लस ट्वेंटी वन ये हो जाएगा थर्टी टू और ये थर्टी टू सारा किस को मिलेगा इस वाले वेरिएबल को मिलेगा ए को तो इसी को काट कर का लिखेंगे आप थर्टी टू क्योंकि वेरिएबल यही है सारा ए और बी कोई तीसरा वेरिएबल नहीं है तो वेरिएबल ही इसे इसलिए कहते हैं कि इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है अब ए की वैल्यू थर्टी टू है यहाँ पर आ जाएं अब ए की वैल्यू आपने ये नहीं लेनी ये चेंज वाली लेनी है इसलिए मैंने कहा था इसको आप लिख लें बस यही इसमें एक ट्रिक है तो ए की वैल्यू यहाँ और बी की वैल्यू लेनी है हमने अब ये बाद में आपने इसमें इंक्रीमेंट करना है पहले इसको आपने ऐड करना है क्योंकि ये पोस्ट फिक्स है बाद में इसमें इंक्रीमेंट ए की वैल्यू है थर्टी टू बी की वैल्यू कितनी है ट्वेंटी वन थर्टी टू और ट्वेंटी वन ये बनेगा कितना फिफ्टी थ्री 53 जो है वो किसको मिलेगा बी को यहाँ पर लिख दें बी को मिल गया 53 जब ये 53 मिला अब इंक्रीमेंट रहता था ए प्लस प्लस से ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 33 और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 53 है तो क्या हो जाएगी फिफ्टी वो फोर तो ये फाइनल वैल्यू आपकी निकलेंगे थर्टी थ्री और फिफ्टी फोर तो याद रखें प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स में डिफरेंस ही एक तो लिखने का डिफरेंस है प्रीफिक्स में हम पहले इंक्रीमेंट ऑपरेटर लिखते हैं फिर कोई वेरिएबल का नाम और पोस्ट फिक्स में पहले वेरिएबल का नाम और बाद में इंक्रीमेंट ऑपरेटर लिखते हैं और दूसरा डिफरेंस करते दोनों ही वेरिएबल की वैल्यू में एक ऐड है लेकिन किस वक्त ऐड करते हैं प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर वेरिएबल में पहले इंक्रीमेंट करता है और इसे बाद में ये एक्सप्रेशन में यूज़ होता है यहाँ पर क्या होता है ये पहले वेरिएबल की वैल्यू एक्सप्रेशन में यूज़ होती है और बाद में इंक्रीमेंट होता है जैसे मैंने इन एग्ज़ैम्पल से आपको समझाया उम्मीद आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफ़ बिसमिल्लान रहीम डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम उम्मीद है आप खैरियत से होंगे लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो क्या करता था वो वेरिएबल की वैल्यू में एक ऐड करता था जमा करता था आज का हमारा टॉपिक है डिक्रीमेंट ऑपरेटर ये कैसे लिखते हैं माइनस माइनस यानी दो माइनस साइन लिखने से ये एक डिक्रीमेंट ऑपरेटर बनेगा ये दो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं है ये दो माइनस साइन मिलकर एक डिक्रीमेंट ऑपरेटर बनाते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है इट्स सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ये वेरिएबल की वैल्यू में से एक माइनस करता है सब्ट्रैक्ट करता है अब लेट्स से हमारे पास क्या है एक वेरिए इंट एक्स इज इक्वल टेन एक्स क्या है एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू क्या है टेन है अब डिक्रीमेंट ऑपरेटर आपने लिख दिया एक्स माइनस माइनस इससे क्या होगा एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी नाइन हो जाएगी यानी टेन से एक माइनस करेंगे तो नाइन तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है एक्स की वैल्यू में से इस वेरिएबल की वैल्यू में से एक नफी करेगा दो नफी नहीं करेगा एक माइनस करता है तो एक्स की वैल्यू टेन थी टेन से क्या हो गई नाइन डिक्रीमेंट ऑपरेटर को आप कांस्टेंट के साथ नहीं लिख सकते यहां पर एट हमारे पास क्या है कांस्टेंट एट माइनस माइनस एट माइनस माइनस करने से ये सेवन नहीं बन जाएगा बल्कि ये स्टेटमेंट ही रॉन्ग है आप इस स्टेटमेंट को ये वैलिड नहीं है ये इनवैलिड स्टेटमेंट है यानी ये रॉन्ग है ये गलत है आप डिक्रीमेंट ऑपरेटर को कांस्टेंट के साथ नहीं लिख सकते एट इसमें कांस्टेंट है तो ये लिखना ही ऐसे गलत है डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो एक्सप्रेशन के साथ भी नहीं लिखा जा सकता ए प्लस बी क्या है एक्सप्रेशन है और डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करेगा इस एक्सप्रेशन के साथ इसको लिख ही नहीं सकते ये वैल्यू नफी नहीं करेगा यहाँ पर इसको आप लिख ही नहीं सकते टाइप्स ऑफ डिक्रीमेंट ऑपरेटर डिक्रीमेंट ऑपरेटर की अकसाम दो तरह के होते हैं प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर और पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर को कैसे लिखते हैं प्री का मतलब होता है पहले यानी डिक्रीमेंट ऑपरेटर पहले आएगा किससे पहले आएगा वेरिएबल से पहले जैसे ये माइनस माइनस ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर है और ये ए जो है ये वेरिएबल है इससे पहले लिखा जाएगा पोस्ट का मतलब होता है बाद में क्या चीज बाद में डिक्रीमेंट ऑपरेटर बाद में आएगा किसके बाद में आएगा वेरिएबल के जैसे यहां पर दिखाया गया ए वेरिएबल है और ये माइनस माइनस जो है ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर है तो डेयर स्टूडेंट्स ये बात याद रखनी है चाहे प्री फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर हो चाहे पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर हो ये दोनों ही वेरिएबल की वैल्यू में से एक सब्ट्रैक्ट करते हैं एक नफी करते हैं अब इसको मिसाल से समझ लेते हैं लेट से हमारे पास एक वेरिएबल है ए जिसकी डाटा टाइप क्या है इंटीजर है ए की वैल्यू क्या है टेन माइनस माइनस ए लिखने से क्या होगा इस वेरिएबल की वैल्यू में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा माइनस हो जाएगा यानी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास नाइन हो जाएगी इसकी डिक्रीमेंट ऑपरेटर की वजह से इसी तरह यहां पर तो हमने प्रीफिक्स यूज किया है ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या है टेन यहां पर हम पोस्ट फिक्स यूज कर लेते हैं तो इसकी वजह से भी वेरिएबल की वैल्यू में क्या होगा एक माइनस होगा ए की वैल्यू क्या हो जाएगी नाइन हो जाएगी यानी टेन से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगी तो यहां पर तो हमने डिक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज किया है सेपरेट यानी एक अलहदा यूज किया इनको एक्सप्रेशन में यूज नहीं किया जब हम इनको एक्सप्रेशन में यूज करते हैं फिर इनके बिहेवियर में डिफरेंस आता है करते दोनों ही है लेकिन प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है वेरिएबल को डिक्रीमेंट करता है एक्सप्रेशन में यूज होने से पहले दोबारा से सुन लें कि प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है वेरिएबल की वैल्यू को पहले से माइनस कर देता है यानी डिक्रीमेंट कर देता है कब एक्सप्रेशन में यूज होने से पहले जबकि पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है यह वेरिएबल की वैल्यू को पहले एक्सप्रेशन में यूज करता है और बाद में डिक्रीमेंट करता है याद रखिएगा पहले वेरिएबल की वैल्यू को एक्सप्रेशन में यूज करता है और बाद में डिक्रीमेंट इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं लेट से हमारे पास इंट एक्स वाई दो वेरिएबल है इंट एक्स कामा वाई इसी तरह एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास टेन है हम लिखते हैं वाई इज इक्वल टू माइनस माइनस एक्स प्लस फाइव और यहाँ पर एक्स की वैल्यू टेन है वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस माइनस प्लस फाइव देखें यहाँ पर हमने इस डिक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज़ किया है एक्सप्रेशन में ये पूरा एक्सप्रेशन है, तो है यहाँ पर तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर को एक्सप्रेशन में यहाँ पर डिक्रीमेंट ऑपरेटर ये प्रीफिक्स था यहाँ पर यहाँ पर पोस्ट फिक्स है ये पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर को एक्सप्रेशन में यूज़ किया अब इन दोनों के बिहेवियर में फ़र्क होगा ये डिफरेंस होगा क्या डिफरेंस होगा अब लेट से आप इस एग्जाम्पल को समझने के लिए रफ अमल में एक्स की वैल्यू लिख लें आप एक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास टेन है तो ये प्री फिक्स है तो ये क्या करेगा इसकी वजह अब इस एक्स, इसको सॉल्व करेंगे तो प्री क्या करता है पहले पहले डिक्रीमेंट करेगा यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स की वैल्यू नाइन नाइन प्लस फाइव कितना होगा फोर्टीन ये फोरटीन किसको मिलेगा वाई को तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी फोरटीन तो आपने यहाँ पर गौर किया डेर स्टूडेंट तो पहले डिक्रीमेंट किया हमने और फिर उस वैल्यू को डिक्रीमेंट करने के बाद इस फाइव के साथ ऐड किया यानी एक्सप्रेशन में यूज किया अब इधर आ जाए एक्स की वैल्यू लिख लेते हैं हम कितनी है हमारे पास टेन और वाई की वैल्यू हम यहां पर अब कैलकुलेट करते हैं इसको सॉल्व करते हैं अब ये पोस्ट फिक्स है यानी ये बाद में डिक्रीमेंट होना है कि बाद में इस मुराद कब है यानी पहले एक्सप्रेशन को सॉल्व करें और बाद में डिक्रीमेंट पोस्ट का मतलब होता ही बाद में तो एक्स की वैल्यू आपके पास टेन है इस टेन प्लस यानी डिक्रीमेंट नहीं करना बाद में करना है टेन प्लस फाइव फिफ्टीन फिफ्टीन किस को मिलेगा वाई को तो जब वाई को फिफ्टीन मिल जाएगा बाद में इस एक्स की वैल्यू में डिक्रीमेंट करना है याद रखिएगा तो अब इसे क्या करेंगे हम डिक्रीमेंट करेंगे नाइन तो इन दोनों क्वेश्चन को आप कंपेयर करें एग्जाम्पल्स को कंपेयर करें ये एक तरह किया यहाँ पर प्रीफिक्स यूज किया यहाँ पर पोस्टफिक्स इनके आंसर में डिफरेंस आ रहा है तो प्रीफिक्स क्या करता है पहले डिक्रीमेंट करता है वेरिएबल की वैल्यू में से और फिर इसको एक्सप्रेशन के साथ यूज़ करता है ये पोस्टफिक्स में क्या होता है पहले वेरिएबल एक्सप्रेशन में यूज़ होता है और बाद में डिक्रीमेंट होता है उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक भी करें और अपने तमाम दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि तमाम दोस्त इससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकें अपना ख्याल रखिएगा नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी अल्लाह हाफिज़